खवातीन भी इकोनॉमी को बेहतर कर सकती हैं पाकिस्तान तो। जो लड़कियाँ चाहती हैं ना बचपन से हमारी शादी हो तो उनकी तो शादी हो ही जाती है। शादी के बाद भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं अगर आप में हिम्मत है करे जाए। एजुकेटेड तो हमारी खवातीन तो है, माँ बाप एजुकेशन तो दिलवा ही देते हैं अपने बच्चों को। फातिमा जिना अच्छी थी, उनकी क्या पर्सनैलिटी थी, क्या क्लास थी उनकी पर्सनैलिटी। इमरान खान साहब की अच्छी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लितल चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा ऑप्शन चैनल। नाज़रीन, मेरे साथ एक हसीन और जमील खातून बैठी हैं, बल्कि लड़की कहना जो है वो दुरुस्त रहेगा। मिस वर्दा मनीब रॉ साहिबा, जो कि ग्लोबल पाकिस्तान मिस 2023 बनी हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस पोजीशन तक पहुँचने में उन्होंने कितनी मुश्किल बर्दाश्त की और ये सक्सेस स्टोरी किस तरह से अपनी राय तक मिल तक पहुँची। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, पहले तो आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अच्छा मैम, ये मिस पाकिस्तान ग्लोबल बनने का जो ख्वाब था, ये बचपन से था या बस ऐसे चलते फिरते आपने अचीव कर लिए? चलते फिरते तो कुछ भी अचीव नहीं हो सकता, बट ये जो बहुत लकी होते हैं वो चलते फिरते अचीव कर लेते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, बट ये है कि मेहनत लगती है हर चीज़ को हासिल करने में। हाँ, पढ़ाई के साथ साथ मुश्किल था मैनेज करना, सारा कुछ देखना, बिकॉज आई एम डिज़ाइन स्टूडेंट राइट नाउ और डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, बट बचपन से ख्वाब था मेरा। बचपन से ख्वाब था? हाँ, वर्ल्ड होता है। कि ऐश्वर्या राय को उतनी देखा था किसी इवेंट के अंदर, तो आपने कहा था कि मैंने भी ऐसे ही बनना है। देखिए, जब हम छोटे थे ना, हम टीवी पे देखते थे मिस वर्ल्ड हो रहा है, मिस यूनिवर्स हो रहा है, मिस इंटरनेशनल हो रहा है, ये बन रहा है, मतलब मेरा बड़ा था मिस ग्लोबल हो रहा है, तो मैं कहती थी काश मुझे भी ऐसा कोई क्राउन एंड सैश मिलता। बट मैं कहती थी बहुत मुश्किल है, बट मेरी मदर ने बहुत ज़्यादा मुझे इंकरेज किया, हमारा था तुम तो हो ही मिस वर्ल्ड। अच्छा, मिस आपके वालदा ने इंकरेज किया, वालिद साहब ने नहीं किया? वाले साहब ने भी किया, लेकिन पहले तो आप फर्स्ट मदर से मेरी ज़्यादा दोस्ती थी, उनसे मैं शेयर करती थी कि छोटा छोटा थॉट जो भी आता था माइंड में। लेकिन इसके लिए अप्रूवल तो फाइनल अपा जी ने नहीं? जी बिल्कुल, और उन्होंने आपको सारा कुछ सपोर्ट भी किया जी। तो आपने अपा जी का नाम पहले क्यों नहीं लिया? आप पहले ये बताया, क्योंकि मेरी मदर यहाँ पर ज़्यादा मुझे तो हर किसी की माँ है। अब हम दोनों बड़े भाई जो है ना, हमारे अब्बूस के साथ इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है जितनी अम्मी के साथ। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अम्मी घर में होती हैं, आपको सारा वक्त उन्हें स्कूल ट्यूशन मदरसा अकेडमी उन्होंने छोड़ना होता है, उन्हें लेना होता है, तो फ्रेंड तो वही होंगे ना जी। लेकिन पीछे बैक एंड पे जो ज्यादा सपोर्ट चल रही होती है वो तो वाले साहब की चल रही होती है। अब्बा कहते हैं मामा को, अभी भी मेरे अब्बा कहते हैं मामा को के इंटरव्यूज में तुमने इसके साथ रहना है, बिकॉज आई एम जस्ट स्टूडेंट और बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि स्टूडेंट लाइफ में इस तरह की कोई अचीवमेंट होगी। तो मेरे फादर खुश भी थे, बट वो परेशान भी थे कि मीडिया में जाना है, तो मेरी मदर को कहते थे कि तुमने इसके साथ साथ रहना है। नहीं मैम, मीडिया में बड़े शरीफ नफ़ के लोग भी हैं, जिस तरह ये सारे आपके सामने बैठे हुए हैं जी, और बड़ा सपोर्ट करने वाले हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में मेल हों फीमेल हों, जो भी मेहनत करके कामयाबी की तरफ जाता है या हर्डल जाते हैं, तो हम जैसे ही नौजवान जो जर्नलिस्ट हैं, स्पेशली डिजिटल जर्नलिस्ट, वो सपोर्ट करते हैं जी। तो आप इन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं, अच्छे लोग भी मिलते हैं आपको, कुछ बुरे लोग भी मिलते हैं, बट ये कि अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि मेरे पास मैम सोनिया अहमद जो प्रेजिडेंट ऑफ मिस पाकिस्तान वर्ल्ड है, उनकी सपोर्ट रही, तो उन्होंने हमेशा मुझे अच्छे लोगों से ही इंट्रोड्यूस करवाया। ये सारी अचीवमेंट के बाद आपके रिलेटिव्स का कैसा रवैया है? बहुत खुश थे। मेरी खाला तो जब मैं ये पहन के गई हूँ टाइटल, वो तो रोना शुरू हो गई, मेरी बेटी मेरे को इतनी बड़ी अचीवमेंट हुई, वो खुश बहुत थी, उन्होंने मुझे उनके पैसे भी दिए। मेरी दोनों खाला रो रही थी और बहुत खुश थी, और ताया अबू की तरफ गई, उन्होंने KFC की ट्रीट हमने ली, बड़ा मज़ा आया वहाँ। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको और कामयाबी दे। अच्छा, आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? और आप जो ख़वातीन हैं हमारे पाकिस्तान की लड़कियाँ हैं जो कामयाबी से थोड़ा पीछे रह जाती हैं, उनको क्या मैसेज देने? नेक्स्ट तो मेरा ये गोल है कि मैं अपनी फील्ड में भी अपना नाम बनाऊँ, बिकॉज बीइंग अ डिज़ाइनर और मेरा मेजर है लेदर एक्सेसरीज एंड फुटवेयर, तो मैं लेदर पे काम करूँ। पाकिस्तान में आपको पता है लेदर बहुत है, बट लेदर की प्रोडक्ट्स जो मेड इन पाकिस्तान हो उन पर बहुत कम काम हो रहा है। लेदर बाहर भेज देते हैं और वो अपने बड़े बड़े ठप्पे लगाते हैं, लग्जरी ब्रांड्स बनाते हैं, तो पाकिस्तान में लग्जरी ब्रांड होना चाहिए और मैं चाहती हूँ कि उसमें ख़वातीन का ज़्यादा से ज़्यादा रोल हो, बिकॉज मेरे नज़रिए में ख़वातीन भी इकोनॉमी को बेहतर कर सकती हैं पाकिस्तान तो। बिल्कुल जी, ख़वातीन भी इकोनॉमी को बेहतर कर सकती हैं, और ये जो आप प्लान शेयर कर रही हैं ये इकोनॉमी के लिए ना एक इंतहाई अहम कदम जो है वो साबित होगा। अच्छा मैम, जो ख़वातीन कामयाबी से रुक जाती हैं या शादियाँ हो जाती हैं या तालीम की तरफ रुकावट आता है, तो वो बिल्कुल मायूसी की तरफ बैठ जाती हैं, ये मसला है वो मसला है,
हमको क्या मोटिवेशन देंगी, क्या ऐसा मैसेज देंगी कि वो जो अपनी कामयाबी की राहों में रुक कर बैठी हुई हैं वो दोबारा से शुरू हो जाए? फर्स्ट तो मैं कहूँगी जो लड़कियाँ चाहती हैं ना बचपन से हमारी शादी, तो उनकी तो शादी हो ही जाती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, शादी इज़ द पार्ट ऑफ योर लाइफ, होनी चाहिए, ये एक सर्कल ऑफ लाइफ होता है। बट ये कि शादी इज़ नॉट अ बिग अचीवमेंट कि आपने शादी की तो ये एक अचीवमेंट है। शादी करें लेकिन उसके बाद भी मैंने बहुत सी खवातीन देखी हैं जो शादी के बाद भी बहुत कुछ कर रही हैं, बहुत अच्छा नाम अपना पैदा करी इंडस्ट्री में। तो शादी के बाद भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं अगर आप में हिम्मत है करे जाए। आप अगर इकोनॉमिकल साइड के ऊपर अपना प्लान स्टार्ट कर लेती हैं तो आप रफाई आमा के लिए या सोशल सेक्टर का क्या काम करना चाहेंगे? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा यही मोटिव है मेन कि मैं वुमेन के डेवलपमेंट में काम करूँ। ठीक है, क्योंकि एजुकेटेड तो हमारी खवातीन तो है, माँ बाप एजुकेशन तो दिलवा ही देते हैं अपने बच्चों को, लेकिन ये है कि स्किल पे कोई काम नहीं कर रहा। और इस जमाने में जो अब दौर चल रहा है इसमें स्किल का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप तभी अर्निंग कर सकते हैं जब आपको कोई ना कोई स्किल आती है। पाकिस्तान में किसी एक जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं फीमेल, आपको बहुत से फोकसत रहती हैं। फातिमा जिना अच्छी थी, उनकी क्या पर्सनैलिटी थी, क्या क्लास थी उनकी। हाँ, आप ये बता दें कि कौन सा पॉलिटिशियन जो है वो आपको लगता है कि यार ये बहुत पर्सनैलिटी? इमरान खान साहब की अच्छी, इमरान खान पर्सनैलिटी अच्छी, जब क्रिकेटर भी थे तो बहुत अच्छी क्वालिटी। ठीक है मैम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती वक्त दिया और अपने लाइफ के बारे में बताया। और आप ये बड़ी खूबसूरत और खुश आयन बात है कि पाकिस्तान की खूबसूरती लड़कियाँ भी सोचती हैं कि मुल्क कौम की जो है वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर तबार जो है वो ख़त्म हो, इकानमी बूस्ट करे, स्पेशली खबर इन जो है वो इम्पावर में आए ताकि इकानमी में स्टेबल हो। अभी वीडियो तक मुझे जल्द दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।